किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। फूल गोभी का अचार। अचार की सामग्री इस प्रकार है। फूल गोभी 2.5 किलो, मोटी इलायची 10 दाने, 20 ग्राम लौंग, 60 ग्राम पीसी हुई लाल मिर्च, 75 ग्राम राई, 300 ग्राम पुराना सिरका और 300 ml सरसों का तेल, 100 ग्राम अदरक, 20 ग्राम जीरा, 10 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम प्याज और 150 ग्राम नमक। गोभी के फूलों को अलग अलग तोड़ लें या चाकू से काट लें। फिर इन्हें अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लें ताकि टुकड़ों में पानी शेष न रह जाए। अब सभी मसालों को बारीक पीस लें। अदरक और प्याज को छीलकर पीस लें और दानों को मिला लें। कढ़ाही में तेल गर्म होने को रखें। जब तेल में से धुआं सा उठने लगे तो इसमें पीसा हुआ मसाले का मिश्रण डालकर अच्छी तरह से भून लें। मसाला जब लाल रंग का हो जाए तो इसमें कटे गोभी के टुकड़े डालकर अच्छी तरह से हिलाकर भून लें। जब गोभी के टुकड़े थोड़े गल जाए तो कढ़ाही को आग पर से उतार लें। इस मिश्रण के ठंडा होने पर मर्तबान में डाल दें और 4 दिन धूप में रखें। जब अचार में खटास आने लगे तो इसमें सिरका मिलाकर 3-4 दिन फिर से धूप में रखें। गोभी का खट्टा और मिर्च मसालेदार अचार तैयार है। यदि आप गोभी का मीठा अचार चाहते हैं तो लाल मिर्च को घटाकर मात्र 25 ग्राम कर दें और सिरके के साथ 250 ग्राम चीनी डाल दें। गोभी का मीठा अचार तैयार हो जाएगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।